रविवार के एक दिन के अवकाश के बाद कल सोमवार को नागौर जिले में फिर खुली मंडियां। बड़ी तादाद में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे नागौर जिले की मंडियों में। मेड़ता और नागौर मंडियों के भाव इस प्रकार रहे। मेड़ता मंडी में मूंग न्यूनतम 4,500 से अधिकतम 5,700, चना न्यूनतम 4,350 से अधिकतम 4,550, गवार न्यूनतम 5,550 रुपये से अधिकतम 5,800 रुपये, जीरा न्यूनतम 18,800 से अधिकतम 22,675, सौंप न्यूनतम 9,950 से अधिकतम 11,000, रायडा न्यूनतम 6,180 से अधिकतम 7,122, तारामीरा 5,400 से अधिकतम 5,600, इसबगोल 10,000 से 14,700, कपास 9,000 से 10,500, रसालिया 7,225 से अधिकतम 7,225। और अगर वहीं हम नागौर जिला मुख्यालय स्थित मंडी की बात करें तो वहां जीरा 18,000 से 23,000, गवार 5,500 से अधिकतम 6,550, मूंग 4,500 से 6,600, सौंप 8,000 से 10,400, इसबगोल 12,000 से 14,000, तिल 8,000 से 8,300, सरसों 6,000 से 6,750, तारामीरा 5,000 से 5,750, चना 4,500 से 4,700 और मेथी 5,000 से 5,400 रुपये बिकी। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और कारागृह मंत्री टीकाराम जूली ने कल नागौर दौरे के दूसरे दिन जिला कारागृह का किया निरीक्षण तथा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण के कार्यक्रम में भी की शिरकत। मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि कारागृह में बंद कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार निरंतर कर रही है प्रयास। विभिन्न तकनीकी शिक्षा और तकनीकी ज्ञान देकर प्रदेश की जेलों में सुधार के लिए सरकार लगातार कर रही है प्रयास। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नागौर में नए जिला कारागृह के लिए 35 बीघा जमीन बीकानेर रोड पर की गई है आवंटित, जिस पर जल्द ही शुरू होगा निर्माण कार्य। बैरक हैं उनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं, खुला बंदी गृह है उसकी संख्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर घोषणा की है वो भी हमने बढ़ाई है। इसके अलावा जो जेलें काफ़ी अंदर हैं शहरों के अंदर हैं उनको भी हम बाहर शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, और यहाँ भी जेल के लिए 35 बीघा ज़मीन अभी बाहर अलॉट कर रहे हैं बीकानेर रोड के ऊपर, ताकि आने वाले समय में नई जेलें वहाँ पर बनाई जा सके। साथ के साथ जो बंदी हैं उनको भी जीवन जीने का हक है, वापस जब वो यहाँ से बाहर जाएं तो समाज के अंदर वो उसी प्रकार से रह सके जैसे कि अन्य लोग रहते हैं, उसके लिए हम काफ़ी नवाचार कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। थानाधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठे दिव्यांग का अनशन तुड़वा कर न्याय का दिलाया गया आश्वासन। बीते 2 सप्ताह से कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठे दिव्यांग कांटिया निवासी जसवंताराम को कल विकलांग विकास सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष पापालाल सांकला ने जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन। गौरतलब है कि दिव्यांग खींवसर थानाधिकारी पर मारपीट करने, 24 घंटे अकारण जेल में रखने, स्कूटी और मोबाइल छीनने जैसे आरोप को लेकर न्याय के लिए बीते 2 सप्ताह से कलेक्ट्रेट के सामने दे रहा था धरना। अब विकलांग विकास सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष ने SP कलेक्टर और CO से मिलकर मामले में निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन देकर खुलवाया अनशन तथा बताया कि प्रदेश में दिव्यांगों के साथ सहन नहीं किया जाएगा अत्याचार, इस मामले में भी आरोपी थानेदार को सस्पेंड करवाकर दिलवाएंगे न्याय। तो मैं नागौर प्रशासन को ये अवगत करवाना चाहता हूँ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय SP साहब जी को और हमारे डिप्टी सर को कि आज तो मैं इनको जसवंताराम को जूस पिला के और अनशन ये जो अनशन पे बैठे थे मैंने तुड़वा दिया। लेकिन मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कल मैं SB साहब से डिप्टी साहब से कल मैं व्यक्तिगत मिलूँगा और इनका क्या है उनको न्याय मिलना चाहिए। और मैं सभी नागौर के प्रशासन को ये भी अवगत करवाना चाहता हूँ कि जो खींवसर के थानेदार जी ने जो एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ में मारपीट की किसी के सिखाने से और इनको 24 घंटे जेल के अंदर रखा था और इनकी स्कूटी छीनी थी जो विदाई कोटा से दी हुई है और इनका मोबाइल नंबर तो थानेदार जी महोदय ये सुन ले चाहे राष्ट्रपति तक जाना पड़े। लेकिन सर आपने थानेदार जी ये किया
आपने आपकी वर्दी का ये जोम बता के इस दिव्यांग के साथ में आपने किया। और मैं नागौर प्रशासन को यह भी अवगत करवाना चाहता हूँ, मैं कल मंत्री महोदय जी से भी मिल गया और इनकी सारी रिपोर्ट मैंने टीकाराम जी जुली साहब को दे दिया। तो तांडार जी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कल आप यहाँ नागौर आके और मेरे सामने और एसबी साहब के सामने या तो इस दिव्यांग व्यक्ति से माफ़ी मांग लेवे, नहीं तो मेरे पास में इतना पावर है मैं सस्पेंड करा के रहूँगा। ददवाड़ा में दो सामाजिक पक्षों में हुई हिंसा के मामले में सरपंच पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण मिले एसपी से गोटन थाना क्षेत्र के ददवाड़ा में दो पक्षों के बीच में बारात निकासी के दौरान हुए पथराव एवं मारपीट के मामले में ग्रामीणों ने गोटन के पूर्व सरपंच नारायण सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कल एसपी कार्यालय पहुंचकर वर्तमान सरपंच पर राजनीतिक षड्यंत्र एवं द्वेषता को लेकर दो सामाजिक वर्गों को आपस में लड़ाने का लगाया आरोप। उन्होंने बताया कि राजनीतिक द्वेषता के चलते सरपंच एवं उनके सहयोगियों द्वारा बारात की निकासी के दौरान दलित को घोड़े से उतारने का गंभीर आरोप लगाकर हिंसा भड़काने का किया था काम, परंतु मामले में इस तरह का नहीं हुआ था कोई घटनाक्रम। एक सामान्य विवाद को लेकर हुए पथराव को राजनीतिक लाभ के लिए षड्यंत्र पूर्वक दो वर्गों में डाली गई फूट। दो समाजों को आपस में लड़ाने की वजह से इस प्रकार की घटना कारित हो रही है। अब एक तरफ आप देखिए जो उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज है, मुकदमा नंबर 121 जोकोटन पुलिस थाने में दर्ज है, परिवार जो लीला देवी वाइफ ऑफ सोन राम दाती मेघवाल निवासी ददवाड़ा की तरफ से, उसमें उसी तरफ से मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब उस महिला को पता नहीं था मुकदमा की चार पांच असामाजिक तत्व थे जो शराब पिए हुए थे, उन्होंने जो ग्रामीण महिलाएं जो उस मंदोली को देख रहे थी उनके साथ अशील हस्ते की रक्षा रखी, इस तरह से विवाद हुआ। ये सामान्य घटना थी और जिसको दूसरा रूप दिया गया। अब उसमें राजनीति इतनी घुसी है आपस में। सोमवार को नागौर जिला मुख्यालय स्थित जिला परिषद सभागार में सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई संपन्न। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चली बैठक में राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए सांसद ने जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। सांसद बेनीवाल ने 108 की तर्ज पर घायल पशुओं को भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कलेक्टर को किया निर्देशित। साथ ही पत्रकार कॉलोनी में संबंधित पत्रकारों को आवंटित भूखंडों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी नगर परिषद आयुक्त को दिए निर्देश। इसके अलावा पेयजल, राष्ट्रीय राजमार्ग, फसल बीमा, स्वास्थ्य एवं अन्य मुद्दों पर भी सांसद ने संबंधित अधिकारियों को किया निर्देशित। बैठक में खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल, जिला कलेक्टर पीयूष समरिया, पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी सहित राज्य एवं केंद्र सरकार के जिला स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद। चित्तवा पुलिस ने महिला अपराधों की रोकथाम हेतु कार्रवाई करते हुए एक स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अध्यापक को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी की जब्त। जानकारी के अनुसार आरोपी अध्यापक ने स्कूली छात्रा को स्कूल से परीक्षा देकर घर वापस आते समय रास्ते में मोटरसाइकिल पर बैठा कर छेड़छाड़ की थी, जिसका प्रकरण चित्तवा थाने में हुआ था दर्ज। कुचामन पुलिस उपाधीक्षक संजीव कट्टेवा ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अध्यापक राजेंद्र कुमार जाट निवासी कुकनवाली को कर लिया गिरफ्तार। उधर मेड़ता रोड थाना क्षेत्र के एक गांव के स्कूल में 11वीं आर्ट्स की 16 साल की स्टूडेंट को अकेले कमरे में बुलाने और एग्जाम में ज़्यादा नंबर देने का लालच देकर दोस्ती का दबाव बनाने वाले मामले में भी महीने भर से ज़्यादा समय से फरार चल रहे ज्योग्राफी लेक्चरर राजेंद्र बिश्नोई की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने अब लगा दी है 8 सप्ताह की रोक। परबतसर रूपनगढ़ मेगा हाईवे पर एक कार ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर हुई मौत तथा कार सवार हुए घायल। सूचना मिलने पर अजमेर की रूपनगढ़ पुलिस पहुंची मौके पर, दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर घायलों को पहुंचाया अस्पताल, वहीं शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को किया सुपुर्द। दोनों मृतक मोटरसाइकिल सवार नेमीचंद और मुकेश थे, परबतसर निवासी।
पांचौड़ी पुलिस ने राजकार्य में बाधा पहुंचाने के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 3 नामजद आरोपियों को किया गिरफ्तार। कर्णुग्राम में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करते हुए राजकार्य में बाधा पहुंचाने का प्रकरण पांचौड़ी थाने में हुआ था दर्ज। थानाधिकारी दिलीप सहेल ने जाब्ते के साथ प्रकरण में मनोहर लाल, संदीप एवं प्रदीप कुमार को किया है गिरफ्तार। डेगाना पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को जयपुर से किया गिरफ्तार। बीते 6 अप्रैल को थाने में दर्ज हुआ था प्रकरण। थानाधिकारी सुभाष चंद्र पूनिया के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए कल आरोपी जावेद को जयपुर से कर लिया दस्तियाब। उधर मेड़ता सिटी पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई करते हुए 2014 से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को मेड़ता सिटी से किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार स्थायी वारंटी किशन गोपाल रावत 138 NI एक्ट के प्रकरण में था वांछित। स्कूली बच्चों के लिए अब ग्रीष्मावकाश 17 मई से 30 जून की बजाय अब 11 मई से 30 जून तक होंगे। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी करते हुए सिविरा में आंशिक संशोधन कर समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में 11 मई से 30 मई तक ग्रीष्मावकाश किया घोषित। मकराना रेलवे स्टेशन पर किसी परिचित की शादी में शरीक होकर वापस लौट रहे एक व्यक्ति का ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक RPF जवानों ने दौड़कर बचाई जान तथा राजकीय चिकित्सालय पहुंचाकर प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर करवाया रेफर। जानकारी के अनुसार घायल युवक योगेश जोशी निवासी खातीपुरा जयपुर मकराना में किसी परिचित की शादी में शरीक होने के बाद बीती रात मंडोर सुपरफास्ट ट्रेन के जरिए जा रहा था जयपुर। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोरोना से भारत में 47 लाख मौत होने के आंकड़े सामने आने के बाद केंद्र सरकार पर COVID-19 में लापरवाही बरतने और मौतों के आंकड़े छुपाने के लगाए आरोप। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आंकड़े छिपाते हुए केवल 4.8 लाख लोगों की मौत होने की कही थी बात, परंतु WHO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 47 लाख मौतें हुई। और इसके साथ साथ एक तरफ कोरोना काल से देश जूझ रहा था और एक तरफ केंद्र सरकार रैलियां कर रही थी चुनाव की। केंद्र सरकार को युवा कांग्रेस मांग करती है कि 47 लाख परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की। कल महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर कुचामन के लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट ने महाराणा प्रताप को नमन करते हुए उनके जीवन आदर्श से प्रेरणा लेने के लिए सभी को किया प्रेरित। क्लब के संस्थापक अध्यक्ष राम काबरा सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रताप नगर स्थित महाराणा प्रताप स्थल पहुंचकर मूर्ति को नमन करते हुए उनके सहयोगियों के वंशज गाड़िया लोहार परिवार के बुजुर्गों का दुपट्टा पहनाकर सम्मान करते हुए देशभक्ति के नारों से किया आकाश को गुंजायमान। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों से ही हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी संकट के समय भयभीत नहीं होकर मुकाबला करना चाहिए तथा इंसान को सदैव स्वाभिमानी रहकर देश का बढ़ाना चाहिए। गौरव, यह है News 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज पोर्टल।